हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके लिए लेके आई हूँ इंस्टेंट मिर्ची का अचार। बनाइए और खाइए। चलिए, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम मोटी वाली मिर्ची ली है और ये जो इसमें मसाला डालूंगी, इसमें मैंने 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी छोटा और काली जीरा, करौंजी और जीरा 1-1 चम्मच ये लिया है। ये मैंने 8-10 लहसुन काट के रखे हैं और ये है 2 चम्मच मैंने हल्का सा तवे में सेक के बेसन लिया है और नमक मिर्च हल्दी ये तो है ही और ये है हींग और अमचूर पाउडर। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसमें सामान डालें। सबसे पहले मैं ढालूंगी, तेल गरम हो गया, ये मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। तेल बहुत गर्म हो गया, मैं फ्लेम को थोड़ा कम कर देती हूँ। अब इसमें मैंने ये लहसुन डाल दिया है, के बाद हम स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, धनिया, और ये है लाल मिर्च पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, क्योंकि मिर्च भी है, ये भी थोड़ी तो तीखी आई, और ये ही हींग भी करीब मैंने 1/2 स्पून डाला है। अब ये मैं इसमें ये मिर्ची डाल देती हूँ। ये मैंने 250 ग्राम मिर्ची लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के और कॉटन कपड़े पे पहुँच के फिर मैंने इसको यूज किया और फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे। ये है इंस्टेंट मिर्ची का अचार है, आप अभी बनाइए अभी खाइए। इसको थोड़ा सा हम लोग ढक के रखते हैं 2-3 मिनट के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, 2 मिनट हो गए हैं और ये नरम भी हो गए। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होने के लिए, बैलेंस करने के लिए। और ये मैंने थोड़ा किशमिश लिया है, ये ऑप्शनल है, आप खा भी सकते हैं और नहीं। गैस की फ्लेम को हमने कम ही किया हुआ है। ये मैंने करीब 1 से थोड़ा ज्यादा ही नींबू है, ये थोड़ा सा बेसन डाल। ये देखिए मिर्च एकदम नरम हो गई। ये हमारा इंस्टेंट मिर्ची का अचार बनके रेडी। आप लोग इसे बनाइए, खाइए और मेरे वीडियो
को लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ओके बाय।